सर्वांगसन। सर्वांगसन को योग की माँ भी कहा जाता है। इस आसन में संपूर्ण शरीर का व्यायाम होता है, इसलिए इसे सर्वांगसन कहते हैं। सर्वांगसन को अंग्रेजी में सोल्जर स्टैंड पोज भी कहा जाता है। सर्वांगसन करने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को मिलाया और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पैरों को सीधा रखते हुए अपनी कमर और छाती तक के भाव को ऊपर उठाएं। अपने दोनों हथेलियों से कमर को सहारा दें। इस दौरान आपकी कोहनियाँ जमीन से चिपकी रहेंगी। आपकी ठोड़ी को छाती से सटाकर रखें। इस स्थिति में शरीर का पूरा भार कंधों पर रहना चाहिए। आप पैरों के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में 30 सेकंड से 3 मिनट तक रहें। इस दौरान सांस सामान्य ढंग से लेते रहें। इस आसन को करते समय सिर उठाने की कोशिश ना करें और घुटनों को ना मोड़ें। सर्वांगसन के लाभ इस प्रकार है। अपच दूर कर भूख बढ़ाता है। इससे पुराना कब्ज दूर हो जाता है, पाचन रोग दूर हो जाता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत करता है और चर्बी को कम करता है। थकान और दुर्बलता को दूर करता है। थायराइड ग्रंथि को क्रियाशील बनाता है। मनोविकार दूर करता है। वजन कम करता है। दमा में लाभदायक है। पीठ और कंधों को मजबूत बनाता है। महिलाओं में मासिक धर्म और गर्भधारण की समस्या को दूर करता है। बाल गिरने से रोकता है। त्वचा के लिए लाभदायक है। नेत्र रोग में भी लाभदायक है। पेट के अल्सर को रोकता है। उच्च रक्तचाप को कम करता है। सर्वांगसन करने के समय ऐसी सावधानियां भी बरतनी चाहिए। गर्दन और पेट तथा कमर में दर्द वाले रोगी इसको ना करें। उच्च रक्तचाप व हृदय विकार के रोगी इस आसन को ना करें। चक्कर आते समय इस आसन को ना करें। गर्भावस्था और मासिक धर्म के समय इस आसन को ना करें। घेघा रोगी इस आसन को ना करें। तो ये थी सर्वांगसन के बारे में कुछ जानकारी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।